सारे भाइयों ने राम राम। भाई मैं हूं थारा देसी पत्रकार करमू और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक सिर पर गुट्ठा टेक। फिलहाल सेक्टर 39 चंडीगढ़ का थाना तक लाइव जुड़ गया हूं और हमने कहा था भला चिड़िया उड, तोता उड, वीडियो उड, ये हो गया डाटा उड। डॉक्टर डॉट डॉट का मोबाइल का डाटा उड गया है, यानी कि चंडीगढ़ पुलिस में जो चीजें थी जब्त, जो हमारी सामान रखा गया था प्रक्रिया के तहत, हमने सामान उल्टा ले लिया है। और डॉक्टर डॉट डॉट का जो सामान सारा लगभग सारा मिल गया वो सामान, लेकिन जो उसके अंदर मोबाइल उनका था उसमें जो डाटा था वो डाटा क्लीन है। एक बार चेक कर लिया बाज भाई, कोई बात नहीं, मेरा मोबाइल मेरा जो मोबाइल है वो मिल गया है, मेरा मोबाइल सेफ है, सुरक्षित है, प्राइवेसी में कोई दखल नहीं दे सकते। आपने मेरा एक नियम बनाया, एक कानून बनाया है, मेरा मोबाइल मैंने चेक कर लिया, ओके है, जो चीज ओके है वो ओके है। जी जी कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, कोई ठीक है। अच्छा ये है भाई आधार कार्ड मेरा सुरक्षित है, मेरे पीछे ये पीछे मैंने गिन के धरे थे जो भी लिए थे इन्हें, वो भी सुरक्षित है। और ये कोई बात नहीं, कोई नहीं, अभी अभी डॉक्टर डॉट भी आ जाएंगे बाहर, उनका सामान वो अपनी लिखित में शिकायत के लिए। और ये मेरे एटीएम ये सारी चीज सुरक्षित है। ये भाई जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो पंजाब वाले भाई आ रहे थे, और यह मेरी घड़ी है भाई, घड़ी भी मेरी मिल गई, और मेरी डायमंड रिंग और ये मेरा ब्रेसलेट, ये सारी चीजें। आप मेरा सामान सारा सुरक्षित है, मिल गया चलो बिला भाई, रुक जाए एक मिनट, कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं भाई, सारा देश में हमारा जो लूस कटवा दिया था हमने, भीतर गिरने वाला मामनू नहीं बता सकते भाई, कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। तो फिलहाल डॉक्टर डॉट डॉट ही बाजेंगे अपने बीच में, अरीब जो चीज है, जो ताजा जो जानकारी वह यह आई है, डॉक्टर डॉट डॉट का जो मोबाइल का जो डाटा है वो सारा क्लीन अप कर दिया गया है, यानी कि वो क्या हो रहा है, फैक्ट्री रिस्टोर हो गया, रिस्टोर फैक्ट्री बोल दे रहे हैं। चलो तो आ जाओ ये डॉक्टर डॉट डॉट हमारे बीच में आ गए हैं, ये भी बताऊंगे। हाँ जी डॉक्टर साहब, क्या पूरी सामान की उपलब्धि होगी अपने की? राम राम कर दो पहले भाई, सारे भाई राम राम भाई। भाई सामान जो है, आप देखो इस सरकार ने पिछले 7 साल में जो खेल खेला है वो एक खेलियो इब खेलन की सोच रहे हैं। इन्होंने क्या करा है, मेरा फोन जो था वो, ये फोन जिससे मैंने वो फोटो भेजी थी, याद हो आपके, अंदर 38 में मेरे को 39 थाने में बैठा हुआ लीली जैकेट में, आपका याद हो, मैंने छोटी सी बना के भेजी थी, वो बोलने की कोनी है ना, को याद है। उसके बाद में वो SHO जलदान सिंह आया था और ताबड़ तोड़ उसने मारना शुरू किया था, याद होगा आप लोगों का, उस बंदे ने। उसके बाद यू फोन मेरा गया। अब पहली बात यह हो कि जिस टाइम पे हमारे को वहां से उठाया था इन लोगों ने सेक्टर 37 से, उस टाइम वो KTM था और हमारे खिलाफ FIR कितने बजे लिखी गई, तो वो 5 घंटे थे, वो 5 घंटे में यह फोन कहाँ था? वो जलदान सिंह अंदर आके पहले हमारे को उसने पीटा, दोनों को, उसको पीटने के बाद में वो ये फोन छीन के ले गया था। ये वो पहले वाला, ये वाला फोन जो था वो उसका पहले से ले गया था एक बंदा, ये सपिंदर ले गया था छीन के, और ये इंस्पेक्टर ले गया था। तो इन SHO ने जब ये फोन छीन के ले गया, अब जो फोन मिला है हमारे को, इस फोन के अंदर कुछ भी नहीं है भाई। मेरे फोन में अगर आप गैलरी में जाओगे, गैलरी में नो फोटो एट ऑल, इसके अंदर लगभग 25,000 फोटोग्राफ्स थे, जिसमें सारे के सारे जो दस्तावेज थे इस पूरी के पूरे षड्यंत्र के खिलाफ और सरकारों के खिलाफ। यही मैं भेजा करता था जो अपने ट्विटर अकाउंट पे, अपने यूट्यूब चैनल पे, जितनी मेरी वीडियोस मैंने वहां बना रखी थी वो सारी की सारी, मेरा जो फेसबुक है वो, मेरा जो व्हाट्सएप, देखो कोई भी एप्लीकेशन नहीं है इसके अंदर। फैक्ट्री रीसेट, फैक्ट्री मतलब कंपनी से जैसा फोन आता है ये वैसा फोन मुझे दिया गया है। मेरे को ये लग में दखल हो गया, प्राइवेसी में नहीं भाई साहब, यो तो आप ये देखो, आपका सारा डेटा ले लिया इन्होंने, कितने लोगों से कांटेक्ट है, मेरे कांटेक्ट कितने लोगों के नंबर है, ये देखो नीचे जो आन लग रहा है, मैं इन्हें दोबारा से वो करने लग रहा हूँ, रिस्कॉल नीचे आन लग रहा है, गूगल कांटेक्ट सिंक्रनाइजिंग 10,943 कांटेक्ट,
यानी कि 11,000 के करीब आदमियों से मेरे कॉन्टेक्ट जो डायरेक्टली थे, सीधे सीधे जिनको मैं जानता था और जो मुझे मिले हुए और मेरे को अच्छे से जानते थे, वो 11,000 लोगों को सर्विलेंस पे रखेंगे ये लोग। उन 11,000 लोग मेरे सपोर्ट ना कर पाए इसलिए उनको धमकाई देंगे। मिसयूज भाई साहब, इब तो सारा का सारा टेक्नोलॉजी का जमाना है। व्हाट्सएप के ऊपर मेरा फोन नंबर क्लोन कर लिया होगा, मेरा व्हाट्सएप क्लोन करके ये व्हाट्सएप पे क्या क्या, मान लो अब मेरे को इस 5 दिन से पहले की आप टेक्नोलॉजी है, देखो मैं आपकी उपस्थिति अभी के अभी अमेरिका में भी दिखा सकता हूँ, मैं आपकी उपस्थिति अभी के अभी कहीं भी दिखा सकता हूँ अगर मेरे को टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट हूं तो मैं आपकी गड़बड़ करके आपके फोन में भाई मेरी नाड़ कितने लाके जा काल ने, वो लोग मेरे सारे फोटोग्राफ्स को या मेरी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसको मिसयूज करके किसी के पास व्हाट्सएप से गलत नंबर या गलत मैसेज भेज के हमारे खिलाफ आज तक हमारे खिलाफ कोई किसी ने किसी तरह का आरोप नहीं लगाया जो गलत किसी पर्सनल को आज तक। लेकिन अब क्योंकि सरकार की नाक में दम कर रहे हैं, क्योंकि ईब जो है सबने बेरा लग गया है कि तुम्हारे षड्यंत्र का पर्दाफाश इस आदमी ने शुरुआत करी है, तो कल को मेरी जबान की क्रेडिबिलिटी कम हो जाए, कल को मेरी जबान जो है वो लोग उसको ऊपर यकीन करना बंद कर दें, इसीलिए ये पूरा प्रोपेगेंडा चला सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप का भी वो कर सकते हैं, मेरे उसका भी कर सकते हैं। फोटोग्राफ आपने खींचा होगा, एक बार दिखाओ फोटो, रिसीविंग में लिखा है, रिसीविंग के अंदर लिखा था चिड़िया उड, तोता उड, वीडियो उड, अरीब हो गया डाटा उड, कुछ उड़े मैंने अभी रिसीविंग जो दी है अपनी, देखो हालांकि इससे क्या होगा ये आप लोग जानते हो क्या होने वाला है, रिसीव्ड फोटो फोन एंड मनी जो 5,390 रुपए थे विद कंडीशन के मेरा S9 Plus सैमसंग रीसेट है, गैलरी फोटो लॉस्ट है, लेकिन 1 Plus 7 Pro जिसमें फेसबुक पेज, एंटी वैक्सीन मूवमेंट इंफॉर्मेशन, व्हाट्सएप, शेयर इट और अन्य जितनी भी एप्लीकेशन थी व्हाट्सएप के समेत, वो सारे फोटोग्राफ और सब कुछ गायब है, फोन फैक्ट्री रीसेट है और मुझे डाउट है कि सिम कार्ड और फोन मेरा क्लोन किए जा चुके हैं और इसका दुरुपयोग की पूरी संभावना है, से इनकार नहीं किया जा सकता। पत्रकार दिलबाग सिंह, अपना करमवीर करमू और शुभम मान और हज कांस्टेबल हरबंस जी की मौजूदगी में प्राप्त किया 8 तारीख को, आज से पहले। भाई एक बात ध्यान रखियोगा, गांव गो अंडर दुनिया आड़ो सारे के सारे, सिर्फ एक बात या भाई इस मूवमेंट से लेकर के अगली जो मेरी बात है इसने छोटी छोटी क्लिप बना करके और आप अपने ट्विटर पर सब जाए शेयर कर, डाउनलोड कर लियो भाई। वीडियो ने डाउनलोड कर लियो या अब मैं जो बोलने जा रहा हूं ना इसकी क्लिप बना लेना अगली। आज 8 तारीख 8 जनवरी 2022 के 3:50 से पहले मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है किसी किस्म का, मेरे खिलाफ कोई दस्तावेज नहीं है किसी किस्म का। अब अगर फर्जीवाड़ा होता है, किसी के पास भेजे हुए गलत मैसेजेस की जानकारी आती है, किसी के पास भेजे हुए गलत कोई मैसेज आया हो, किसी ने कोई कंप्लेंट आज तक की मेरे खिलाफ नहीं करी थी, अगर आज के बाद इससे पहले की कोई कंप्लेंट या कुछ भी आती है, जैसे वरुण गांधी बोलने लगा था एक बारी अपने लोगों के लिए, अगले दिन उसकी सीडी आ गई थी टेलीविजन पर, उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, यहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट होगा, यो जलदान SHO होगा जिसने मेरा फोन छीना था। और अभी हम यहाँ से SP के पास जाएंगे, अपनी कंप्लेंट लिखवाने के लिए जाएंगे और वहां FIR कराएंगे कि ये 5 घंटे बाद FIR क्यों हुई। और भाई साहब एक बात समझ लो, अगर हम इस FIR को करवाने पर, इस दस्ते इनको कैंसिल कराने पर, इन चीजों पर उलझ गए तो मुझे लगता है कि लड़ाई जो बड़ी लड़ाई लड़ी थी उसका जाए। तो मैं ये मानता हूं अभी के बाद कि भाई जब जान थेड़ी पे दर्दी, जब दुनिया के सबसे ताकतवर आदमियों के खिलाफ लड़ने चल पड़े तो इज्जत बेइज्जती कोई मैटर नहीं करती, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, जब हम मेरी CD भी ले आओगे तो। बस एक बात का ध्यान रखियो, लड़ाई अपनी इंसानियत के बचान की है बस। चलो जी, SP साहब के पास पहुंच रहे हैं और इस चीज की भी लिखित में शिकायत देवांगे भाई जो चीज हुई है। मेरी जो सामान था वो पूरा का पूरा कंप्लीट मिल लिया है, इसमें कोई ओ नहीं हुआ है, डॉक्टर साहब वाला डाटा उड़ा दिया गया, इनको आशंका इन है भाई उसका दुरुपयोग हो सके, प्राइवेसी में दखल है तो कर दो शेर भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं हूं तारा देसी पत्रकार करमू, जय हिंद जय